Dear students, this is Hazir Gul here, your biology teacher. Inshallah, today we will start a new chapter, that is the biotechnology. we will discuss about the term biotechnology और biotechnology chapter के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो सीरीज़ में मैं आहिस्ता आहिस्ता सेंड करूँगा रूटीनली. ये जो फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, ये फर्स्ट वीडियो जो होगा, दिस विल बी अबाउट द टर्म बायोटेक्नोलॉजी. चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, इसी की जो ये जो टर्म यूज़ होती है इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी, ये टर्म असल में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये टर्म क्या कंसेप्ट डिलीवर करती है. सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ के बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन को देखें कि डिफिनीशन क्या कहती है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, कि बायोटेक्नोलॉजी रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर प्रोडक्ट्स, देयर प्रोसेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. अब देख ले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रोसेसेस को हम अगर ह्यूमन बींग्स है या जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इसके फ़ायदे के लिए यूज़ करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है असल में. ठीक है, तो देख लें कि हमने इस डिफिनीशन के अंदर तीन चीज़ें डिस्कस की. ये तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहले देख लें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, और देयर प्रोसेसेस. ये तीन चीज़ें मैं इस डिफिनीशन से निकाल रहा हूँ और इन चीज़ों को समझ लीजिए कि इन तीन चीज़ें है क्या और इनका फ़ायदा क्या होगा. अब देख लें कि सबसे पहले अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ आते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम अगर देख ले कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं ई कोलाई. ये एक स्पीशी है जो एक्चुअली बैक्टीरिया है. अब देख ले ये ई कोलाई एक ऑर्गेनिज्म है. इस ई कोलाई के ज़रिए क्या है, साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रोड्यूस किए. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स यूज़ करते हुए इंसुलिन की प्रोडक्शन, और ये इंसुलिन क्या करती है, हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो अब देख लें कि डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है, और ये डिज़ीज़ क्या है, हम ट्रीट करते हैं इंसुलिन की वजह से. इंसुलिन को हमने प्रोड्यूस किया थ्रू ई कोलाई, और ई कोलाई में किस तरह प्रोड्यूस किया, कुछ टेक्निक्स यूज़ किए, उसी टेक्निक्स के ज़रिए हमने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, और वो इंसुलिन फ़ायदा दे रही है उन्हीं पेशेंट्स को जो डायबिटिक है. तो अब देख ले कि ट्रीटमेंट भी एक फ़ायदा है मैनकाइंड के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, कि वो क्या करें, मैनकाइंड को फ़ायदा पहुँचाए. ये तो एक फ़ायदा हुआ. दूसरा अगर हम देख ले इसको कि दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है, कि इस तरह के कुछ स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, आई विल रब दिस पोर्शन, इसको हम नेक्स्ट करते हैं. अब देख लो दूसरा क्या है फ़ायदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि दूसरा एक बैक्टीरिया है. नाउ अडेज साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है आजकल ये यूज़ हो रही है एज अ बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, इसके साथ साथ बायो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, एज अ पेस्टिसाइड मैनेजमेंट. इन दो टर्म को समझ लीजिए, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट. अब अगर हम इन दोनों फ़ायदों को देखें, ये देख लो कि फर्टिलाइजर्स या बायो फर्टिलाइजर्स एजेंट्स विच प्रोमोट्स द फर्टिलिटी ऑफ एनी लैंड, विच प्रमोट्स फर्टिलिटी ऑफ एनी लैंड. अब देख लो किसी भी ज़मीन पे हम फसल उगा रहे हैं, उस फसल के लिए ज़रूरी ये है कि वो जो सॉइल हो, वो जो लैंड हो, वो फर्टाइल हो. ठीक है, तो अब देख ले इसमें फर्टाइल का क्या मतलब होगा, कि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो. आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हुए हैं जो क्या करते हैं,
जो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। पुराने ज़माने में लोग केमिकल यूज़ करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे, यूरिया एट्सेट्रा। अब देख ले आजकल बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं और बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी क्या है इंट्रोड्यूस की गई है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अट्रैक्ट करती है और उसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है और वो नाइट्रेट क्या करती है प्लांट्स की या उसी लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। तो अब देख ले ये जो एजेंट है बायोफर्टिलाइजर्स है, बायोफर्टिलाइजर्स बाय नेचर बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया और यही स्ट्रेन क्या कर रही है लैंड्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है। तो ये एक दूसरा फ़ायदा हुआ। हम कहते हैं कि ज़मीन पे जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो फर्टाइल सॉइल को हमने किस तरह प्रमोट किया, ये हमने बैक्टीरिया के थ्रू किया। तो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बायोटेक्नोलॉजी में टर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो 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 हम कहते हैं एडवांटेज है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्या है, प्रोड्यूसिंग सर्टन एजेंट्स विच वी कैन से ट्रीट डिजीजेस और इस तरह के कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करना जो लैंड्स की क्या है कि जो लैंड्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें। सेकेंड मैंने लिखा है कि एज ए पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। अब देख लो बैक्टीरिया के थ्रू हम कहते हैं कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेन्स क्रॉप्स के प्रोड्यूस हुए हैं कि जो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया बैक्टीरियल जीन इज यूज्ड इन प्लांट्स फॉर पेस्टिसाइड्स कंट्रोल। क्या मतलब है इसका कि हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसजीनिक क्रॉप के हवाले से कि आजकल जितने भी हम प्लांट्स देखते हैं प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया का एक जीन है, वो बैक्टीरियल जीन क्या है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, उस टॉक्सिन का नाम है बीटी बेसिलस थोरिंजेनेसिस। बीटी असल में क्या है, बेसिलस थोरिंजेनेसिस। बेसिलस थोरिंजेनेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, उसी बेसिलस थोरिंजेनेसिस से एक जीन निकाला गया है, वो जीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। वो टॉक्सिन क्या है, असल में जब वो किसी फ्लाई के टंग पे पड़ जाती है तो वो उसी ओवरऑल फ्लाई की डाइजेस्टिव ट्रैक को ख़त्म कर देती है। तो अब देख लें कि अब वो वाला जीन बैक्टीरिया से निकालना और उसी जीन को प्लांट के अंदर डालना ताकि क्या है कि ये जो क्रॉप है या जो प्लांट है इस पे कोई फ्लाई या कोई पेस्ट जो है वो अटैक ना करे। तो हम दूसरा कहते हैं कि हमने बैक्टीरिया की जीन को यूज़ किया, बैक्टीरिया को यूज़ किया। असल में ये जीन तो बैक्टीरिया के जीनोम में है, तो हम बैक्टीरिया एक एजेंट है उसको यूज़ करेंगे और उसकी जीन को निकालेंगे और फिर हम इसको प्लांट में डालेंगे, तो ये एक और फ़ायदा हुआ। तो इस तरह अगर हम देख लें कि वर्ड टर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा ये मतलब है कि बैक्टीरिया को लेट सपोज हम बैक्टीरिया ले रहे हैं तो बैक्टीरिया को हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। लाइक हम क्या यूज़ करते हैं इसको ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, इसको हम बायोफर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें तो टर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ। दूसरा अगर हम देख ले आई एम रेफरिंग इट, अब दूसरा देख ले ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके पर्पजेस फॉर मैनकाइंड तो हमने डिस्कस किए। सेकंड देख ले, सेकंड हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं ऑर्गेनिज्म से और उसी प्रोडक्ट्स को हम ह्यूमन की या हम अदर ऑर्गेनिज्म्स के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या है, असल में प्रोडक्ट्स हम में कुछ दो प्रोडक्ट्स मेंशन करूँगा, बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दो मेंशन कर रहा हूँ, लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स एक प्रोडक्ट हुआ और दूसरा जो है वैक्सीन। अब देख लो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक ये क्या है, मेटाबोलाइट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देख ले ये क्या करती है, विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन अ लिविंग बॉडी। ठीक है,
ये एंटीबायोटिक जो होती है असल में ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करती है, लाइक फंजाई है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। तो अब हम पेनिसिलियम को यूज़ करते हैं टू किल्स द बैक्टीरिया। तो अब देख ले ये एंटीबायोटिक्स असल में कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं और उसी प्रोडक्ट्स को फिर हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट डिफरेंट डिजीजेस। तो डिफरेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट असल में हम क्या कहते हैं कि कुछ डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, वो इन्फेक्शन काज करती है, उसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो असल में एंटीबायोटिक एक प्रोडक्ट है और वैक्सीन है। तो वैक्सीन क्या है, असल में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। अब देख लो वैक्सीन असल में क्या होती है, एजेंट्स विच बूस्ट अप द इम्यूनिटी। अब देख ले अब ये एजेंट्स जो होते हैं वैक्सीन, ये क्या है, कोई एंटीजन मींस कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई रिसेप्टर भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ओवरऑल ये बैक्टीरिया भी हो सकती है। तो अब देख ले बैक्टीरिया वायरस या इन्हीं चीज़ों के कुछ कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, उसको हम यूज़ करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डिवेलप हो जाए। और ये इम्यूनिटी की डिवेलपमेंट असल में हम उस एजेंट को, फिर हम क्या कहेंगे कि इसी एजेंट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई, इसको हम कहते हैं वैक्सीन। तो अब देख ले ये वैक्सीन असल में बाय इटसेल्फ ये क्या है, ये कुछ एजेंट्स है असल में जो कि बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया वायरस के प्रोडक्ट्स है। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम किसी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कहते हैं ह्यूमन बींग स्पेसिफिकली उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो अब देख ले कि हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स, तो एंटीबायोटिक एक प्रोडक्ट हुआ, वैक्सीन दूसरा प्रोडक्ट हुआ, और उसके फ़ायदे, तो वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और एंटीबायोटिक का फ़ायदा ये है कि ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा इन द ह्यूमन बॉडी। तो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड पोर्शन ऑफ द डिफिनीशन कि इसमें हम प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का बनाना और इसी प्रोडक्ट्स की जो फ़ायदे है। तो अब देख लो हम एंटीबायोटिक बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, हम वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं और फिर इसके फ़ायदे हम देखते हैं कि ये कितना फ़ायदा दे रही है मैनकाइंड को। सो दिस वाज द सेकंड पोर्शन के प्रोडक्ट्स। अब देख ले थर्ड में आ रहा हूँ तीसरी चीज़ पे, दैट इज़ द प्रोसेसेस। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कुछ प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेसेस को हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं। देख ले ज़रा कि प्रोसेसेस क्या है असल में, कि हम एक प्रोसेस में एक एग्जांपल लूँगा कि प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोसेसेस क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन एक प्रोसेस है, डीएनए रिप्लिकेशन। अब देख लो ये नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। अब देख लो डीएनए रिप्लिकेशन को हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियली हम जब डीएनए रिप्लिकेशन को यूज़ करते हैं, तो अब देख लो आर्टिफिशियली किस तरह यूज़ करते हैं, इसी डीएनए रिप्लिकेशन का जो जिसको हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं, तो इसको हम एक नाम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि पीसीआर इज़ द आर्टिफिशियली डीएनए रिप्लिकेशन। तो अब देख लो डीएनए रिप्लिकेशंस को साइंटिस्ट ने पहले अंडरस्टैंड किया, फिर जब अंडरस्टैंड किया तो इसी मैकेनिज्म को एक मशीन के अंदर अब हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल डीएनए रिप्लिकेशन, आर वी कैन से पीसीआर। अब देख लो ये पीसीआर यूज होती है टू प्रोड्यूस, इसका पर्पस क्या है, प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ डीएनए, आर वी कैन से जीन। तो अब देख ले कि कॉपीज ऑफ जीन का फिर फायदा क्या होगा, यूज फॉर रिसर्च पर्पजेस। ये जो हमने एक साइंटिस्ट ने एक अंडरस्टैंड किया एक मैकेनिज्म को डीएनए रिप्लिकेशन, इसको फिर आर्टिफिशियली यूज़ किया और इसको नाम दिया गया पीसीआर। पीसीआर से हम जीन को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं या इसकी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये कॉपीज क्यों ज़रूरी है, रिसर्च पर्पजेस के लिए। तो अगर रिसर्च नहीं होगी तो जो नए एडवांसमेंट आते हैं वो नहीं होंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है कि रिसर्च के ज़रिए हम न्यू एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब देख ले ये डिफिनीशन था कि
बायोटेक्नोलॉजी असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ होल यूज़ करना या उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना या उसके प्रोसेसेस को यूज़ करना फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ। अब देख लो, ये हमने तीन चीज़ें एक्सप्लेन की कि इस तीन चीज़ें क्या है असल में, ये हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देख लो, हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ कि ये कंसेप्ट जो है असल में बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है और ये किधर से आया। कंसेप्ट के हवाले से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो एक जो कंसेप्ट है वो है ओल्ड कंसेप्ट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, वी कैन से ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और एक कंसेप्ट है न्यू कंसेप्ट, दैट इज वी कैन से न्यू कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहती है और न्यू कंसेप्ट क्या कहती है, देख ले ज़रा कि ओल्ड कंसेप्ट के हवाले से अगर हम देख ले बायोटेक्नोलॉजी को। सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट हम कहते हैं यूज ऑफ फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स या डेराइवेटिव्स। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस यूज़ होते थे, ठीक है, और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। साइंटिस्ट सबसे पहले लॉन्ग एगो हाउस होल्ड यूजेस के लिए लोग क्या करते थे, फर्मेंटेशन की प्रोसेसेस को यूज़ करते थे और इसी फर्मेंटेशन से फिर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। अब देख लो, यहाँ पे टर्म फर्मेंटेशन आ गई तो हम इसी ओल्ड कंसेप्ट में जो प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा था वो प्रिंसिपल जो था वो क्या था, दैट प्रिंसिपल वॉज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या था, फर्मेंटेशन में असल में यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म use of a living organism to produce various products। ये concept असल में ये कहती है, ये जो fermentation है, fermentation में असल हम क्या करते हैं, हम bacteria लेते हैं और bacteria के ज़रिए हम various products produce करते हैं, like ethanol हुआ, lactic acid हुआ। तो असल में technical terms में fermentation का मतलब है the anaerobic type of respiration in which glucose is incompletely broken down and produce certain products। तो ये तो इसकी technical definition है, लेकिन conceptually ये definition क्या कह रही है कि हम bacteria या living organism है microorganism, उसके ज़रिए हम किसी चीज़ को produce करते हैं, किसी product को produce करते हैं, इसको हम fermentation कहते हैं। तो old concept of biotechnology में ये fermentation use हो रहा था और इसी फर्मेंटेशन से वेरियस प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो वो वेरियस प्रोडक्ट्स क्या थे, एक तो हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनना, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहे थे वो क्या थे, लेस अमाउंट का ये मतलब है कि इतने अमाउंट में जो कि सिर्फ हाउस होल्ड यूज के लिए यूज होते हैं, हाउस होल्ड यूज। तो लेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रही थी फर्मेंटेशन के रिजल्ट में, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी है और ये ओल्ड कंसेप्ट है। अब देख लो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या थे, एक जो प्रोडक्ट था वो था डिफरेंट प्रोडक्ट थी लाइक विनेगर प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन के रिजल्ट में विनेगर प्रोड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर कहते हैं कि इसके अलावा वाइन प्रोडक्शन हो रही थी इसके रिजल्ट में, ठीक है, बेकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हाउस होल्ड यूज़ के लिए थी और बहुत लेस अमाउंट में थी कि हम ये जो है हम कहते हैं कि विनेगर की प्रोडक्शन हो रही थी बैक्टीरिया के थ्रू, इसके अलावा वाइन की प्रोडक्शन, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और बेकिंग प्रोडक्ट्स के फ्लोर को हम कहते हैं ब्रेड एट्सेट्रा में कन्वर्ट करना, इसी कंसेप्ट्स को असल में ओल्ड कंसेप्ट कहा गया। और ये कहा गया कि ये सबसे पुराना वाला कंसेप्ट था कि जिसमें फर्मेंटेशन के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे और वो प्रोडक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा दे रही थी।
अब देख ले कि जो न्यू कंसेप्ट है, तो न्यू कंसेप्ट असल में किस चीज़ के हम कहते हैं कि ये किस प्रिंसिपल्स या कौन सी कंसेप्ट हमें डिलीवर करती है। तो अब देख ले न्यू कंसेप्ट के हिसाब से जो बायोटेक्नोलॉजी है असल में वो क्या है। न्यू कंसेप्ट देख ले कि न्यू कंसेप्ट के अंदर दो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। मैं ये एरोस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि दीज आर द प्रिंसिपल। एक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, द न्यू कंसेप्ट यूज इज द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और दूसरा जो कंसेप्ट यूज या प्रिंसिपल यूज करती है दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, अब देख ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के रिजल्ट में क्या है, प्रोडक्ट्स का बनाना और प्रोडक्ट्स इन हाई अमाउंट इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसी कंसेप्ट को कहती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग पे बेस है। अब देख लो ये टर्म समझ ले ज़रा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। असल में चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम है या जेनेटिक मेकअप है, इसमें हम चेंज लेके आते हैं, उस चेंज का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो चेंज है हम किस चीज़ के लिए लेके आते हैं, टू तो हम कहते हैं कि टू बेनिफिट इसी चेंज की वजह से टू बेनिफिट मैनकाइंड। तो अब देख ले कि जेनेटिक मैनिपुलेशन या चेंज इन द जेनेटिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब देख ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या कुछ करते हैं, ये समझ ले ज़रा। कब देख ले, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस डिज़ायर प्रोडक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिज़ायर प्रोडक्ट्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल डिज़ायर प्रोडक्ट क्या है, इंसुलिन बनाना एक बैक्टीरिया के अंदर। असल में इंसुलिन बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग के अंदर। मैं कहता हूँ कि ये इंसुलिन जो है ये एक बैक्टीरिया के अंदर बने और हाई अमाउंट में बने, तो इसको असल में क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग से इसी इंसुलिन का जीन निकालूंगा, इसी इंसुलिन जीन को मैं एक बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा और उसी बैक्टीरिया के अंदर फिर वो डिज़ायर प्रोडक्ट बनेगा। तो असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमें ये सिखाया कि हम किस तरह एक दूसरे सोर्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह बनाएंगे। तो हम तब बनाएंगे कि हम जब इसके डीएनए के अंदर चेंज लेके आएंगे। तो अब देख ले हम क्या है, चेंज असल में क्या था, हमने इंसुलिन जीन लिया ह्यूमन बींग से और हमने बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जीन इंसर्ट किया, दिस वॉज द जेनेटिक चेंज। तो अब देख ले इंसुलिन का बनाना। अब इस तरह हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, तो एक बैक्टीरिया है वो एक एंटीबायोटिक बना रहा है और मैं कहता हूँ कि ये एंटीबायोटिक जो है ये मैं अपने डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाऊँ। फॉर एग्जांपल पेंसिलियम है, पेंसिलिन है एक हम कहते हैं दैट इज़ एन एंटीबायोटिक। अब पेंसिलिन फंजाई के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, मैं कहता हूँ कि ये पेंसिलिन जो है एक बैक्टीरिया के अंदर भी मैं इसकी इस एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करूँ और हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करूँ। तो मैं क्या करूँगा, फंजाई से जीन को निकालूंगा और उसी जीन को मैं बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा, तो एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होगी कि वो एंटीबायोटिक पेंसिलिन की प्रोडक्शन करेगा और वो एंटीबायोटिक फिर यूज़ होती है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो अब देख ली कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी चीज़ की जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं और उस जेनेटिक मेकअप की चेंज की वजह से हम कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या करें, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा दे। दिस वॉज अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग इस चीज़ पर बेस है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
in living organisms, in industrial scale, ये सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग, सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट में भी ये था कि केमिकल्स की प्रोडक्शन थी और केमिकल प्रोडक्शन थी, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट एक ये थी या ड्रॉबैक एक ये था ओल्ड कंसेप्ट का कि वो हाउस होल्ड यूज़ के लिए था, बहुत लेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रही थी। तो न्यू कंसेप्ट ने क्या किया, न्यू कंसेप्ट ने प्रोडक्शन की, कुछ प्रोडक्ट्स की, और वो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा की कि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ें प्रोड्यूस करे। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं हम, केमिकल प्रोडक्ट हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन, इसके अंदर हम एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, और इसी एंजाइम्स के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे। इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब ये है कि हम इसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देख ले, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन के लिए जो एजेंट्स रिक्वायर होते हैं एंजाइम, उसी एंजाइम को हम जब केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अब देख ले कि मॉडर्न कंसेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड है और केमिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है, और ये दोनों चीज़ें किसी प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ताकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करे। दिस वॉज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी बाय डेफिनेशन क्या है, और इसकी जो कंसेप्ट है ओल्ड कंसेप्ट क्या कहती है और न्यू कंसेप्ट क्या कहती है। तो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है।